In the previous lecture, we studied about multiplexers, what are multiplexers, and its different types. Today, we use implementation of boolean functions using multiplexers. यानी multiplexers को use करते हुए हम एक boolean function को किस तरह implement करते हैं, we'll see that. Firstly, इसके लिए अगर हमें एक boolean function given है, like a b c, f a b c equals to some value. जिस तरह मिन टर्म्स या मैक्स टर्म गिवन है अगर कोई, तो उसमें उसको देखकर हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है. जैसे आपको पता है वी हैव 2 into 1, 4 to 1, 8 to 1, 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर, तो इसमें से कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है हमें इस तरह पता चलेगा. सबसे पहले अगर एक बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसमें एन वेरिएबल्स होंगे. लाइक अगर 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो एन की क्या वैल्यू होगी? 3. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 raised to the power n-1, और इसकी जो वैल्यू आएगी उस उतना दैट वैल्यू टू वन मल्टीप्लेक्सर हम ड्रॉ करेंगे. और वो किस तरह, अब यहाँ पर अगर मैं सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक बूलियन फंक्शन गिवन है जिसके 3 वेरिएबल्स हैं, सो मल्टीप्लेक्सर कौन सा ड्रॉ होगा? वो होगा 3-1 = 2, सो 2 raised to the power 2 = 4. सो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ होगा 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर. इसी तरह मेरे पास अगर 4 वेरिएबल बूलियन फंक्शन है तो मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से ड्रॉ होगा? वो होगा 2 raised to the power 4-1. 4-1 = 3, 2 raised to the power 3 = 8. सो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ होगा. और इसमें सेलेक्ट लाइंस का किस तरह से आप हिसाब लगाएंगे कि सेलेक्ट लाइंस कितनी हैं इस मल्टीप्लेक्सर में? 3 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें से n-1, सिंपली n-1 फार्मूला. अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स थे तो 3-1 = 2, तो इसका मतलब 2 सेलेक्ट लाइंस हैं, और जो एक है यानी जो थर्ड हमारा इनपुट है दैट इज़ द ओनली इनपुट, और बाकी दो जो हैं वो सेलेक्ट लाइन्स हैं. यानी 3 वेरिएबल्स थे उसमें से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास 2 सेलेक्ट लाइन्स आई और 1 इनपुट आया, और जो बाकी वेरिएबल्स हैं जैसे आई टोल्ड यू वो इनपुट्स हैं, और हम इन की हेल्प से एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल ड्रॉ करते हैं. अब हमारे पास यहाँ एक फंक्शन गिवन है एंड एज़ यू कैन सी हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 4. 4 वेरिएबल्स हों तो हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले 4 अगर मेरे पास वेरिएबल्स हैं तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फार्मूला दैट वाज 2 raised to the power n-1 = 2, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सा मल्टीप्लेक्सर आता है? 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर 4 वेरिएबल्स के लिए. सबसे पहले मुझे पता है मैंने 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है. फिर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में मेरे पास सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी? वो होंगी n-1. अब n मेरे पास 4 है, 4-1 = 3, तो मेरे पास 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी और 1 इनपुट होगा. ऑलराइट, और मेरे पास यहाँ पर बाकी आउटपुट होगा. अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि 1 वेरिएबल एज इनपुट होगा. अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन टेबल किस तरह से ड्रॉ करती हूँ? सबसे पहले मैंने जितने भी, अब मेरे पास यू नो दैट 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में ड्रॉ कर रही हूँ, सो मेरे पास इनपुट्स कितनी हैं? 8. तो मैं 8 कितनी वैल्यूज़ बनती हैं? आई 0 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख लिया मैंने. फिर इस बूलियन फंक्शन की जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को मैंने इस तरीके से लिखना है. सबसे पहले अगर 8 मल्टीप्लेक्सर है तो मेरे पास ये वैल्यूज़ जो होंगी एज़ यू कैन सी यहाँ पर 15 तक हैं, तो ये यानी 16 वैल्यूड इनपुट्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं. तो मैं यहाँ लिख लूँगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ऑलराइट, अब 15 लिख लिया. अब मेरे पास यहाँ बूलियन फंक्शन में जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनको मैंने सर्कल करते जाना है. लाइक यहाँ 1 गिवन है, मैंने यहाँ 1 को सर्कल कर लेना है. उसके बाद 3 गिवन है, 3 को सर्कल, 4, इस तरह ये सारी वैल्यूज़ को मैंने इस इम्प्लीमेंटेशन में टेबल में सर्कल कर लिया. सेकेंडली याद रखें कि ऊपर मैंने यहाँ, अब मैंने आपको बताया था कि 3 वेरिएबल्स आर द सेलेक्ट लाइंस और जो एक वेरिएबल है दैट इज़ द ओनली इनपुट, इसलिए ए इज़ द ओनली वैल्यू जो इनपुट हो सकती है, और उसकी वैल्यू ऊपर होगी 0, नीचे होगी 1, यानी यहाँ होगी ए बार, और इस रो के लिए ए की क्या वैल्यू है? सिंपल ए. ये याद रखें, इस पूरी रो के लिए ए क्या है? ए बार, और इस पूरी रो के लिए ए की क्या वैल्यू है? ए. अच्छा, अब ये सर्कल कर लिए,
अब आपने क्या करना है, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू रिमेम्बर इस इम्प्लीमेंटेशन टेबल के हवाले से. फर्स्टली आपने, नाउ ये पॉइंट्स क्लियर हैं कि यहाँ पर इस इम्प्लीमेंटेशन टेबल को बनाते हुए फर्स्टली हमने जितने भी बूलियन फंक्शन में वैल्यूज़ हैं उनको सर्कल कर लेना है. फिर फर्स्ट रो के लिए ए बार है, यानी ए की वैल्यू 0 है, और सेकेंड रो के लिए ए की वैल्यू 1 है, एंड दैट इज़ ए. ऑल राइट, अब इसको फॉलो अप करने के लिए देर आर सम स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. वो क्या है कि इनमें से वैल्यूज़, अब आप देख सकते हैं ये एक कॉलम ऐसा है जिसमें कोई भी वैल्यू सर्कल नहीं है. अगर एक कॉलम में कोई भी मिन टर्म सर्कल ना हो तो इसका मतलब उसका जो आंसर है वो होगा 0, यानी उसका जो इनपुट होगा एज अ रिज़ल्ट वो वैल्यू होगी 0. अगर इन दोनों मिन टर्म्स में से एक वैल्यू सर्कल्ड है तो वो कौन से रो की है, दैट इज़ ए बार. तो इसका मतलब इसका रिज़ल्ट क्या है, ए बार. यहाँ से इनपुट क्या मिल रहा है हमें, ए बार. अब यहाँ पर अगेन इस कॉलम में कोई भी मिन टर्म सर्कल नहीं है, सो इनपुट क्या होगा, 0. दोनों सर्कल्स, अगर दोनों मिन टर्म सर्कल्ड होती हैं लाइक इन दिस केस, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इनपुट क्या होगा, 1. अगेन दोनों सर्कल्ड हैं मिन टर्म्स, तो अगेन आंसर इनपुट क्या है, 1. अगेन अब यहाँ पर इस केस में ये वाली वैल्यू सर्कल्ड है और इस रो में ए की वैल्यू क्या है, ए 1 है, सो दिस इज़ इनपुट ए. इसी तरह ये वाली रो में भी ए की वैल्यू ए है, तो ये इनपुट क्या आएगा, ए. ऑल राइट, इस तरह से ये इनपुट्स मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिए अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन वैल्यूज़. उसके बाद अब मेरे पास जो 8:1 मल्टीप्लेक्सर था वो किस तरह से ड्रॉ हुआ, यू नो दैट मेरे पास यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, वो थी बी सी डी. एंड ये बात याद रखें कि इसमें हमेशा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, यानी आपको पता है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और वो है बी. और इसी तरह जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो है डी. अगर यहाँ पर सिर्फ दो सेलेक्ट लाइंस होती हैं लाइक वो होती हैं S0 S1, तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी इस साइड पर आप कौन सी रखते हैं, S1, और इस साइड पर क्या रखते हैं, S0. कीप दैट इन माइंड. और मेरे पास यहाँ आउटपुट इज़ ओनली 1, दैट इज़ वाई. और इनपुट्स कौन कौन से हैं, पॉसिबल इनपुट्स 8:1 मल्टीप्लेक्सर में 8 होते हैं, वो होते हैं I0 to I7, वो हो गए. लेकिन इनके वैल्यू कौन सी है, I0 के लिए कौन सा इनपुट की कौन सी वैल्यू है, ये वाली 0. ठीक है, इसको मैं आगे इम्प्लीमेंट करूँगी, आप यहाँ टेबल में भी देख सकते हैं. अब ये टेबल किस तरह से बनाया है, यू नो दैट कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं उसमें जो आउटपुट जनरेट होता है वो सेलेक्ट लाइंस की बेस पे, यानी उनकी वैल्यूज़ की बेस पे डिसाइड होता है. और सेलेक्ट लाइंस आपको पता है वो डेटा सेलेक्टर्स होते हैं. डेटा सेलेक्टर्स मतलब वो किसी भी इनपुट को सेलेक्ट करते हैं और उसमें से डेटा पास ऑन करते हैं टू द आउटपुट. तो इसलिए दी सेलेक्ट लाइंस डिसाइड द आउटपुट. इसलिए फॉरगेट अबाउट दिस मेन टर्म्स, दीज आर नॉट नेसेसरी टू राइट हियर. बट यहाँ पर फोकस आपका होना चाहिए इतने टेबल पर. और यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस हैं बी सी डी, और उनकी वैल्यूज़ एज यू कैन सी, जब तीनों की वैल्यू 0 है तो हमारे पास आउटपुट I0 दे रहा है. जब दोनों की वैल्यू 0 है, जिस डी इज़ ऑन, तो I1 है. फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया तो I2, ये दोनों हो गए तो I3. एंड जिस तरह ये आप जेनेरिकली टेबल बनाते हैं, 0 4 0 4 1 0 0 1 1, 8 वैल्यू टेबल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह और वैल्यूज आ जाएंगे I0 I1 I7. इट्स ओके इफ यू डोंट मेक दिस टेबल फॉर द मल्टीप्लेक्सर. इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दिस इम्प्लीमेंटेशन टेबल एंड फोकस ऑन द मल्टीप्लेक्सर डायग्राम. दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी, दिस इज जस्ट टू मेक यू दिस थिंग अंडरस्टैंड. ऑलराइट, अच्छा जी, उसके बाद अब मल्टीप्लेक्सर की डायग्राम किस तरह से, यानी फाइनल सर्किट हम इसके बेस पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे. सिर्फ हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो एट अ टाइम क्या वैल्यू दे रहे हैं, सिर्फ हमें वो शो करना है. अब आप देख सकते हैं कि I0 की वैल्यू क्या है, 0. ठीक है, इसी तरह I2 की भी इनपुट क्या है, 0. इसलिए I2 और I0 को सेलेक्ट करें और उनका इनपुट दे दें 0. ठीक है, उसके बाद मेरे पास ए डैश जो है वो है I1 का इनपुट है, की वैल्यू है ए बार. और किसी की वैल्यू ए बार नहीं है तो इसका मतलब जस्ट I1 को सेलेक्ट करें और वैल्यू दे दें ए बार.
उसके बाद मेरे पास जो i3 i4 है इनकी वैल्यू है 1। i3 और 4 दोनों को सेलेक्ट करें और उनको वैल्यू दे दें 1। और इसी तरह i5 6 एंड 7 इन तीनों को सेलेक्ट करें और इनकी वैल्यू क्या है, a। एंड दिस इज़ द फाइनल सर्किट एंड दैट्स हाउ यू इम्प्लीमेंट अ बूलियन फंक्शन। यानी बूलियन फंक्शन को लेकर सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला एंड दैट इज़ (2^n-1) इक्वल्स टू उसकी जो भी वैल्यू आती है उतना मल्टीप्लेक्सर, उतनी मल्टीप्लेक्सर आप ड्रॉ करते हैं और (n-1) से आपको उसकी सेलेक्ट लाइंस पता चल जाती है। यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। सेकेंड स्टेप, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन टेबल ड्रॉ करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को सर्कल करते हैं, उसकी आउटपुट वैल्यूज़ देते हैं, इनपुट की वैल्यूज़ देते हैं और उसके बाद द लास्ट स्टेप इज़ यू ड्रॉ द फाइनल सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ दीज इनपुट्स। ठीक है, दैट्स इट। दीज आर द स्टेप्स हाउ यू इम्प्लीमेंट अ बूलियन फंक्शन। दैट इज़ व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड, अ फोर वेरिएबल इनपुट इम्प्लीमेंट फोर वेरिएबल फंक्शन, बूलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। थैंक यू वेरी मच।